हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं मैगी सूप रेसिपी, जो खाने और पीने दोनों में बहुत ही लाजवाब है। आप इसे खाकर पिए या पीकर खाएं। बच्चे तो दीवाने हैं ही मैगी के, अब साथ में बड़े भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं मैगी सूप रेसिपी। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, जिसमें हमने एक चम्मच बटर डाला है। इसे हम मेल्ट होने देंगे और साथ में ही हमने दो चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाला है। आप चाहे तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक और आधा चम्मच ग्रेटेड लहसुन डालेंगे और दो तीन हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे और इन्हें दो तीन सेकेंड के लिए भून लेंगे। बस हमें इतना ही भूनना है ताकि इसका कच्चापन का टेस्ट निकल जाए। अब इसी के साथ हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने मीडियम साइज का एक प्याज लिया था, जिसे बारीक चॉप कर लिया। साथ में ही शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया। एक छोटा गाजर को भी मैंने चॉप कर लिया और थोड़े से बीन्स को भी चॉप करके डाल दिया। आप यहाँ पे अपने मनपसंद की सब्जियाँ आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। जो इसमें आपको ना पसंद हो वो आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो पत्ता गोभी भी दे सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को हम तेज आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे हम थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर में ही बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे मसाला ऐड करते हैं। तो यहाँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर दिया है और इन सब को फिर से हम सब्जियों के साथ भूनेंगे। जब सब्जियां इस तरह से भून जाए तब हम यहाँ पे सॉस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोया सॉस लिया है, जो 1 चम्मच डाला है, साथ में 1 चम्मच विनेगर, एक चम्मच टमाटो सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस डालकर इन सभी को सब्जियों में अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 मैगी का पैकेट लिया है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे 2 गिलास पानी डालेंगे। अगर आप 1 पैकेट मैगी का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 ही गिलास पानी डालें और साथ में सब्जियाँ भी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसके साथ पानी और सब्जियाँ भी बढ़ा देंगे। और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला, क्योंकि यहाँ हमने 2 पैकेट मैगी का बनाया है तो हमने 2 मैगी मसाला को ऐड किया है और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक हम ध्यान से ही ऐड करें, क्योंकि सॉस में और मैगी मसाला में भी नमक रहता है, तो अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करें। अब बारी आती है मैगी डालने की, तो हम पैकेट में ही इस तरह से मैगी को क्रश कर लें और इस पानी में ऐड कर दें। क्रश हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम सूप के साथ पीते हैं तो हमारा मैगी आसानी से चम्मच में आ सके। और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। ये देखिए, मेरा मैगी सूप बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे स्टेज पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे पूरा सूप का फ्लेवर देने के लिए आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया और उसे आधी कटोरी पानी में अच्छी तरह से घोल लिया और इसे मैगी सूप के अंदर डाल दिया है। तो इससे पूरा सूप वाला टेक्सचर आएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला दें। अब ये सूप बिल्कुल रेडी हो चुका, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म मैगी सूप रेसिपी, जिसे आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद है इन सर्दियों में आप इसी तरह से मैगी खाना या पीना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के संग शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय,
एंड थैंक यू।